हेलो एंड वेलकम, आप लोगों का स्वागत है मल्टीपैकर हंटर के एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बहुत पहले से आपको IRCTC के ऊपर टारगेट दिए हैं, और फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो IRCTC स्प्लिट होने से पहले भी हमने इसके ऊपर टारगेट दिए थे। तो यानी आपने उस समय से स्टॉक होल्ड किया है या आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, तो आपको एटलीस्ट 20-30% का गेन यहाँ पे होगा। इतनी करेक्शन है, जो ये 50% की करेक्शन है वो भी आपको एडजस्ट करने के बाद 20-30% का गेन होगा। अगर मैं बात करूं तो ICTC एक अच्छा स्टॉक है। मोर ओवर अगर आपको देखना हो तो टाइम फ्रेम पे 1 साल में स्टॉक कहीं नहीं गया है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म की है इनमें, ट्रैवलिंग सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, और इनफैक्ट होटल्स के अंदर भी जो भी स्टॉक्स हैं होटल्स के, जो टूरिज्म या बाकी सब सेक्टर में डील करते हैं, तो वो भी एक अच्छी तरीके से रनअप दिए हैं। लेकिन ICTC उस तरीके से रनअप नहीं दिया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जब से ये लिस्ट हुआ है वहाँ से एक अच्छा रनअप जरूर था, 130 रुपीज़ के आसपास से, ऑलमोस्ट 1250 के लेवल तक यहाँ पे स्टॉक आया था और एक अच्छा रनअप मिला था। और इसकी वजह एक और है कि यहाँ पे जो अर्निंग्स है, जो सेल्स है, वो उतनी अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो ICTC के अंदर है एक टाइम वाइज करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 720 का, इसके ऊपर स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है। पिछली बार भी जो कैंडल्स आई थी शेडो कैंडल्स के बाद नीचे स्टॉक आया था 6878 के आसपास, और जो इसका मेन सपोर्ट लेवल होगा वो 660 के आसपास सपोर्ट लेवल है। अगर बात करें यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं ICTC के अंदर, सबसे पहले जो मेजर चेंजेस का एक सोर्स आप देखेंगे वो होगा क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर जो रिजल्ट्स है वो 1000 करोड़ के आसपास अगर यहाँ पे कंपनी क्रॉस करती है इस फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क होगा। वहाँ से एक चेंज आता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा चेंज एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो 21% है स्टॉक के अंदर। तो जहाँ तक पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टॉक्स में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ पे सेलिंग होती है। इंडिविजुअल्स जो हाई नेट इंडिविजुअल्स है या FIIs DIIs के ऊपर यहाँ पे आप कंटिन्यूस ट्रेंड देख सकते हैं कि 8% के आसपास के जो होल्डिंग्स थी वो अभी 5% के आसपास आ चुकी है। DIIs की होल्डिंग 7% से 5% का आ चुकी है, और यहाँ पे FIIs DIIs दोनों तरीके से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के पास स्टॉक्स आ रहे हैं, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग आ रही है, और शेयर होल्डिंग अगर पब्लिक के पास आ रही है तो मोस्ट ओवरली यहाँ पे सेलिंग चल रही है। और पूरी टाइम करेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेलिंग ही हुई है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी बाइंग नहीं हुई है। अगर आप डाटा भी चेक करना चाहें तो December 20 से, जो भी फाइनेंशियल December 20 के बाद से आप यहाँ पे डाटा चेक करेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग चल रही है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मोर ओवर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ये सेलिंग स्टॉप होगी उसके बाद से जो जो रैली आएगी वहाँ पे एक पूरी तरीके से आपके पास मौका होगा कि यहाँ पे ICTC के अंदर एक अच्छा रिटर्न बन जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मोर ओवर यहाँ पे जब से स्टॉक आया है 2021 अक्टूबर 21 जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद जो अर्निंग्स आई थी उसके कंटिन्यूस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूस बेसिस पे करेक्शन ही मौजूद है स्टॉक के अंदर। आप इस पे एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं अर्निंग्स के ऊपर, और अर्निंग्स जो इसकी आने वाली है यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्निंग डेट्स दिया गया हमें जो की है 30 नवंबर 2022। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड डेट है, और अर्निंग्स जो एस्टिमेट की जा रही है 3.16 बिलियन का। अब यहाँ पे रेवेन्यू और जो भी अर्निंग्स है वो एक्सपेक्टेड है, अभी क्या अर्निंग्स देंगी ये कंपनी के ऊपर है। अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि आप जब भी स्टॉक को ले, आप करेक्शन में ले, तो अभी आप अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 50% के आसपास, 40-50% के आसपास करेक्शन मौजूद है। तो मोर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके ये स्टॉक डिस्काउंट मिल रहा है और ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, स्टॉक के प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है कंपनी। आप अगर ग्रोथ देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रोथ है, सेल्स के अंदर भी ग्रोथ है और उसके बाद अर्निंग्स के अंदर भी ग्रोथ है। मोर वर्टिकल्स कंपनी खोलना चाह रही है अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट चेन के साथ, बहुत सारे होटल चेन के साथ। अगर आपने कैप्सूल होटल्स के सुना है मुंबई में, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल्स है कंपनी के पास जो इसमें स्टॉक में अर्निंग कर सकती है कंपनी। और ICTC खुद में एक ब्रांड जो कैटरिंग का है वहाँ पे भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंपनी किस तरीके से मूव करना चाहती है आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो डिपेंड करती है वो है प्रमोटर्स के ऊपर, और प्रमोटर्स के बाद इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, इस चीज़ का कारण बहुत सारा हो सकता है, गवर्नमेंट लिंक इंसेंटिव्स हो सकती है या गवर्नमेंट्स के कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं जो ICTC के साथ लिंक है उसके ऊपर हो सकता है, गवर्नमेंट्स के कुछ अलग से प्रपोजल्स हो सकते हैं जो ICTC के साथ टाई अप करके चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है अर्निंग्स इसका इफेक्ट हो जाए उस पर भी। यहाँ पे बहुत सारी जो
थ्योरी है उस पे निर्भर करता है, जिसकी वजह से पिछली बार भी जो करेक्शन आई थी शार्प करेक्शन, ये थ्योरी पे कि कंपनी में जो हमारा कन्वर्ट जो टिकट बुकिंग का जो फीस है उसके अंदर 50% टिकट का इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट फी। तो यहाँ पे जरूर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को भी और साथ में प्रमोटर्स को आईआरसीटी की, कि यहाँ पे ज़्यादा वर्टिकल्स में इम्पैक्ट ना करे गवर्नमेंट या किसी भी तरीके का आउटसाइड जो इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू पे, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा शेयर प्राइस पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप इस शेयर से कंफर्टेबल है या आप सोच रहे हैं कि ये एक अच्छा मल्टीप्लायर बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया अपने इकोनॉमी को लेके स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे और टूरिज्म अगर इंक्रीज होता है इंडिया के अंदर, तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है इंडिया के अंदर वो है आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी या आप बोल सकते हैं रेलवे का। तो रेलवे अगर ग्रो होगी तो आईआरसीटीसी उसी का एक व्हीकल है, तो वहाँ पे भी आईआरसीटीसी भी ग्रो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप फ्यूचर में वेट करना चाहते हो आईआरसीटीसी को, बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है आपको, 1280 के आसपास था ये ऑल टाइम हाई, और अभी 729 726 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल से मिल रहा है, लेकिन हाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक अभी रन नहीं करेगा और मे बी इसको टाइम लगे, क्योंकि अर्निंग्स जब तक नहीं आती है, जब तक अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आती है, जब तक नए वर्टिकल्स कंपनी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाती, जब तक यहाँ पे किसी भी तरीके अभी ग्रोथ और अर्निंग में ग्रोथ या आपको शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं देखने को मिलने वाली। लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो आपको हाईएस्ट लेवल है 724, यहाँ पे बाय मत कीजिएगा, नीचे आने दीजिए 660 के आसपास आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉक नीचे आता है 660 नॉर्मली आपको आता हुआ नजर आएगा, अगर करेक्शन हुई मार्केट में ओवरऑल मार्केट में तो ये 620 के आसपास भी यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा, आप उस वक्त भी इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन हाँ आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कि एक कांस्टेंट कंपाउंडिंग के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाए फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 साल में। नॉट कंपेयर मत कीजिएगा किसी ऐसे स्टॉक से जो 1-2 साल में भागा है, और उससे आप एज इट इज कंपेयर करें तो एक अनफेयर कंपेरिजन होगा। जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा और जब तक के लिए हैव अ ग्रेट इन्वेस्टिंग।